जिन साथियों मिलते सार द व्हील लवर चैनल का स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, फोर व्हीलर से रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। मैं खुद बहुत बड़ा लवर हूँ व्हील लवर। अभी जो बैठे हुए हैं ये है यार बोलेरो, ये मेरा खुद का बोलेरो है जो मैं खुद कमाए खरीदा हूँ। कैसे खरीदा हूँ, क्या काम करता हूँ, तो यार मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ ऑनलाइन, जो गूगल में जो साइट बनाते हैं ना वो सब मैं करता हूँ, कोडिंग वगैरह करके और उसको रैंक करता हूँ, उससे कमाता हूँ। तो ये मेरा ब्लोरो है, देख सकते हो कि अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है दिखा दे रहे आराम से जो है। कभी बड़ा गाड़ी मैं कभी कैसे सो जाता हूँ, ठीक है, इस गाड़ी में जो है कभी कभी सो जाता हूँ और सोने के लिए बढ़िया लगता है। क्या एक तो बड़ा सोफा लगा हुआ, इस तरह से मैं पैर को देखो मैं दिखाता हूँ कैसे दिखाऊँ। देखो पैर को मैं ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से और इस तरफ से लेट जाता हूँ, देखा आपको। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है सोने के लिए, अकेला जो आराम से सो सकते हो आप। कहीं राइडिंग करने जा रहे हो, कहीं राइडिंग पर हो, अचानक से नींद आ गया तो गाड़ी साइड में खड़ा कर दो, सो जाओ तो लॉक करके इसके लिए पढ़ कर नहीं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी है, मैं सामने का दिखाता रहना चाहूँगा। सामने का देख लो क्या अवस्था है, कैमरा में ऑप्शन नहीं इधर दिखा दे रहा आप लोगों, ये सामने का ऑप्शन देख लो वो करता हूँ दिख रहा होगा आप लोग को, उतना अच्छा नहीं दिखी है। ये जो है, ये जो गाड़ी है ये बेस मॉडल है, ठीक है, ये जो बोल रहा है ये बेस मॉडल है और इसका 8 महीना हो गया और 8 महीना जो मेरा एक्सपीरियंस है यार इस गाड़ी से लेके, गाड़ी तो गजब का है यार। गाड़ी जो है बहुत ही मस्त है, जहाँ तहाँ से निकाल सकते हो इसका, कोई अभी तक तो मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला। कुछ कुछ ख़राबी है जो मैं बता दूंगा, वो जो सब जो है सर्विसिंग का कुछ इशू था, तो सब ठीक है, मस्त गाड़ी है, बढ़िया है, गजब का है। मैं जो लिया था ये बेस मॉडल है, BS6 बेस मॉडल। तो बेस मॉडल का समस्या क्या है कि बेस मॉडल में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। और मैं बाहर से लगाया सोने का म्यूजिक सिस्टम, और देखो अगर आप म्यूजिक लवर हो तब तो यार बोलेरो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बोलेरो में सोचोगे कि वो आपको वो क्वालिटी मिले साउंड का तो वो मिल जाना नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है, इसका ऐसा मटेरियल से बना हुआ ना जो शॉर्ट सॉन्ग जो है ऑडियो को ऑब्जर्व कर लेता है। प्लस स्पीकर जहाँ लगाया गया है वो सही जगह नहीं है, स्पीकर क्या एकदम सामने जहाँ पैर रखते हो पैर के एकदम साइड में दिया हुआ, फिर पीछे जो है सीट कवर के पीछे दिया हुआ है, मतलब समझ लो स्पीकर छिपा हुआ है, स्पीकर को आवाज़ निकलने था जगह चाहिए जो कि नहीं है। बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, टॉप मॉडल में हो सकता है कि उस चलते कैसे बनाया हुआ है स्पीकर नहीं, तो ये एक है समस्या। अगर साउंड लवर हो आप, म्यूजिक बहुत पसंद करते हो, तो आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक ठाक है आवाज़ इसका, मतलब बाहर से मैं लगाया म्यूजिक सिस्टम, एक बड़ा सा बैस लगाने का प्लान कर रहा हूँ, जल्दी मैं लगा दूंगा पीछे, तो हो सकता है कि उसके बाद जो साउंड अच्छा है, ठीक है। तो ये है BS6 का बेस मॉडल, मॉडल का नाम है B4, ये B4 मॉडल है। 8 महीना इसे यूज कर रहा हूँ मैं, इसको पर्सनल में यूज करता हूँ, जहाँ तहाँ घूमते रहता हूँ इधर उधर, विस्तारी में इधर उधर ले जाने में। बात यह है कि ये जो है मेरा फर्स्ट गाड़ी है, ठीक है, इससे पहले मैं कोई 4 व्हीलर ऑन नहीं करता हूँ पर्सनल यूज के लिए। ट्रैवल में था, मतलब मैं बिजनेस में था ट्रांसपोर्ट में, तो उस समय यार मेरे पास मल्टीपल ट्रक थे, लेकिन सब मैं सेल कर दिया, चला नहीं, होता है, नहीं चलता है बहुत सारा बिजनेस में। तो ये मेरा पर्सनल यूज़ करने के लिए जो पहला गाड़ी है, फर्स्ट गाड़ी है, तो मुझे उतना आइडिया था नहीं कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। जब मैं गया शोरूम तो मैं ये बिहार का पटना से लिया हूँ, मैं रहता हूँ बेसिकली हाजीपुर में हूँ, लेकिन ये मैं इसको मैं लिया हूँ पटना से। लॉकडाउन के टाइम में क्या था कि हाजीपुर में जिससे जहाँ मैं हूँ उस जगह में गाड़ी नहीं था अवेलेबल, तो मैं चला गया पटना कि वहाँ से लूँगा गाड़ी। तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो सेल्समैन था वो अच्छा सेल्समैन नहीं था, बेकार था, गधा था, मैं बोलूँगा ये, क्योंकि वो जो है मुझे बता ही नहीं पाया गाड़ी का जो फीचर्स है, बेसिक्स में, मीडियम में या फिर टॉप मॉडल में, मतलब तीनों जो है ना, जैसे इसका जो है B4 मॉडल है, B6 है और B6 ऑप्ट है, तीन ही मॉडल है बोलेरो का, ठीक है। तो जो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में क्या क्या खासियत है वो मुझे बता नहीं पाया, ठीक, बस मेरे माइंड में बहुत लोग, मैं बहुत सारा वीडियो देखा था यूट्यूब में, बहुत सारा वीडियो देखा था जिसमें बहुत बोले थे कि आपको अगर कोई भी गाड़ी लेना है तो आप प्रयास करना पहले बेस मॉडल, मतलब बेस मॉडल लेना, मतलब बहुत लोगों ने मैं चैनल देखा था तो मुझे समझ में आया कि बेस मॉडल लेने में पैसा बचता है।
तो मैं मिस्टेक किया करती पैसा बचाने चक्कर में, क्या है कि मैं बेस मॉडल उठा कर लिया। अब बेस मॉडल में क्या है कि वो जो है आपको जैसे बोल चुका हूँ म्यूजिक सिस्टम जो बास लगाना पड़ा जो कि अच्छा आवाज़ नहीं करता है, ठीक। दूसरा क्या है कि बेस मॉडल में आपको गियर शो नहीं करता है, बेस मॉडल में आपको माइलेज शो नहीं करता है। वही टॉप मॉडल में मेरे ख्याल से गियर शो करता है और माइलेज भी शो करता है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन हाँ माइलेज शो करता है। कई लोगों ने कहा था कि हाँ माइलेज शो करता है टॉप मॉडल, फिर भी आपको वेरीफाई कर लेना, ठीक। हाँ लेकिन गियर 100% शो करता है टॉप मॉडल। तो अगर टॉप मॉडल ले रहे हो तो आपको झंझट ना रहेगा यार बाहर से चीज़ लगाने का। मैं क्या है कि बेस मॉडल लेने के बाद म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगाया और भी बहुत सारे एसेसरीज लगाया बाहर से, फॉग लाइट लगाया बाहर से, तो जो मेरा फॉग लाइट है कई बार फ्यूज हो चुका है। म्यूजिक सिस्टम भी जो है बड़ा प्रॉब्लम करता है कभी कभी जो है ये भी फ्यूज जाता है, तो बाबा मुझे इसका फ्यूज चेंज करवाना पड़ता है, ड्रामा है। मुझे लगता है कि इसका जो एनर्जी है ना ये जो है हाई पावर छोड़ता है और जो लगा हुआ है फॉग लाइट ये सब जो है उतना हाई पावर का नहीं होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेकिन ये इशू है जो मैं आप लोग बता देना चाहूँगा कि ये बोलेरो के साथ है, ठीक। गाड़ी मस्त है, चलता बढ़िया है और बढ़िया चला भी है, लेकिन जब मेरा पहला सर्विसिंग हुआ तो मेरा एक बहुत ही बड़ा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है महिंद्रा का जो सर्विस शोरूम है वहाँ से। तो 3 सर्विसिंग फ्री मिलता है, 3 सर्विसिंग, और लॉकडाउन का टाइम था तो क्या हुआ था कि पहला सर्विसिंग आपका 1000 किलोमीटर पर है तो मैं ध्यान नहीं दिए और वो जो है बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया, मतलब 2000-3000 पहुँचे गाड़ी और मैं सर्विसिंग नहीं कराए, ठीक है। लेट से गया मैं लॉकडाउन की वजह से, क्या ना कि जा नहीं पाया और गाड़ी थोड़ा सा दूर चला गया कहीं किसी और रूट में, मतलब झारखंड की तरफ चला गया था मैं, उसको आते आते तो यार वो तो 1000 पार हो ही जाए, इधर उधर घुमा गाड़ी, तो टाइम ना मिला। तो सही टाइम में मैं सर्विसिंग नहीं कर पाया था, तो मैं जब गया सर्विसिंग शोरूम में करवाने के लिए सर्विसिंग जो हाजीपुर का जहाँ पर सर्विसिंग होता है, तो वहाँ पर क्या बोला गया मुझे कि आपको जो है फ्री सर्विसिंग जो है आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट बोल दिया गया मौके पर कि आपको फ्री सर्विसिंग नहीं मिलेगा। तो मैं बोला भाई फ्री सर्विसिंग लिखा हुआ है, जहाँ से मैं गाड़ी लिया हूँ वो बोला कि फ्री सर्विसिंग मिलेगा, लगा नहीं जहाँ से आप गाड़ी लिए हो वहीं से आप जाकर बात कर लो, हम लोग सर्विसिंग फ्री नहीं करेंगे। मैं तो मूड ख़राब हो गया, फिर मैं बोला भाई कुछ तरीका होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं मिलेगा सर्विसिंग फ्री में। तो बोला कि सर्विसिंग फ्री नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप मेरे से RSA खरीदते हो, RSA मतलब रोड साइड असिस्टेंस, मतलब गाड़ी मान लो कहीं ख़राब हो जाता है तो आपको जो है असिस्टेंस मिल जाएगा, आपको गाड़ी को पिकअप करने के लिए लोग आ जाएगा और आपको गाड़ी को ठीक भी करने के लिए जो भी जो होता है ना पिकअप सर्विसेज उसके लिए, तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो बोला ठीक है मुझे दे दो। तो वो शायद 2 साल या 3 साल के लिए बढ़ाया है, ऑलरेडी गाड़ी के साथ 3 साल के लिए आता है मेरे ख्याल से, जो कि वो बंदा बोला भी था कि गाड़ी साथ पहले से 3 साल का है, 2 साल का और भी बढ़ जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, ऐसा है, ठीक। तो वो 5 साल के लिए जो रोड साइड असिस्टेंस हो गया और उसमें मुझे चार्ज देना पड़ा मेरे ख्याल से उसमें जो मुझे 2200-2300 रुपये लगा, ठीक है 2200-2300 रुपये के आसपास लगा मुझे, जो कि पहला सर्विसिंग कुछ भी नहीं होता, पहला सर्विसिंग सब कुछ चेक करता है बस ये क्या है कुछ चेंज नहीं होता है, तो उसमें आपका 0 कॉस्ट लगता है। तो खाली वो RSA लिया, RSA मेरे से खरीदवाया, उसके बाद जो है मेरा अप्रूव किया और वो मेरा सर्विसिंग किया। तो सर्विसिंग में कुछ चेंज होता नहीं है तो पार्ट्स आपका कुछ तो कॉस्ट पड़ेगा नहीं, तो बस फिटिंग विटिंग कर दिया, उसके बाद जो है गाड़ी दे दिया मुझे, ठीक। अब वो गाड़ी लेने के 2 हफ्ता बाद जो है एक दो हफ्ता होते ही देख रहा हूँ कि गाड़ी जब जा रहा ऑफ रोड में, जब भी एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है या फिर कहीं खद्दा उद्दा आ रहा है तो गाड़ी जो है चर आवाज़ कर रहा है, मतलब होता ना एक सॉकर का कॉन्फ्रेंस का अजीब सा आवाज़ कर रहा है। मैं प्रयास करूँगा कि इन फ्यूचर आपको ऑडियो सुनाने का कैसा आवाज़ करता है, लेकिन समझ लो कि कोई चीज़ दबता है ना, जैसे हम लोग देखे हो पुराने सोफा वोफा में बैठे तब चचराता है वो हिस्सा, जिसके सॉकर है या पत्ती है वो जो है आवाज़ करता है। तो हम लोग को ध्यान में था कि हाँ ये आवाज़ करता है, फिर भी हम लोग जो है उसको आवाज़ को मतलब सुन के भी एडजस्ट कर रहे थे, आवाज तो था लेकिन बोलेरो में हम लोग अधिकांश टाइम खिड़की खोल के चलते थे तो खिड़की के में विंड आ रहा है हवा नॉइस, तो वो आवाज़ उतना खास सुनाई नहीं देता था। फिर जब मेरा दूसरा सर्विसिंग हुआ, दूसरा सर्विसिंग में ध्यान दिया था कि 10,000 में ही मेरा हो, मैं 1 किलोमीटर इधर उधर भी नहीं कर रहा था। जैसे 10 किलोमीटर मेरा हुआ मैं सन ले गया सर्विसिंग शोरूम में और सर्विसिंग कराया। इस पर क्या वो सर्विसिंग जो है मेरा फ्री रहा, कोई वो RSA वगैरह कुछ बेचने का प्रयास नहीं किया। हाँ जो शोरूम वाला जो है जो सर्विसिंग रूम जो है जो एजेंसी वो प्रयास किया कुछ और एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ चिपकाने का, तो मैं थोड़ा सा रेसिस्टेंस किया, मैं थोड़ा ना करना सीख गया था, तो मैं बोला कि भाई मुझे वो सब चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ पर ना कर दिया, मैं बता भी दिया कि ये सबसे प्रॉब्लम है। तो जैसे आप
गाय ले जाते हो ना महिंद्रा का शोरूम में, तो पहला चीज़ जो मैं देखा हूँ, मेरे ख्याल से हर जगह ही होता होगा, कि एक उसका जो एक्सपर्ट होता है, जो जो आप गाड़ी में बैठेगा, आपको बिठा लेगा और वो जो है टेस्ट ड्राइव करेगा, वो गाड़ी को चला के वो जो है देखा, और बस 2.5 किलोमीटर चलाया हो गाड़ी को, उससे भी कम मेरे ख्याल से, और वही 1 किलोमीटर के आसपास, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, बस हाईवे पकड़ता है, उसके बाद जो हाईवे में जो ब्रेक व्रेक चेक करके जो है ABS वगैरह चेक कर देखता है, उसके बाद जो फिर गाड़ी घुमा के जो है और पूछ लेता है कि सब कुछ ठीक है, क्या क्या आवाज़, सब कुछ चेक कर लेता है, ठीक है। हाँ, एक और प्रॉब्लम था, एक और प्रॉब्लम मैं बोलना भूलिए आप लोगों को, कि सॉकर तो आवाज़ कर रहा था मेरा, सॉकर हो या फिर पत्ती जो भी आवाज़ कर रहा हो, जब भी जंपिंग होता था तब, जो गियर बॉक्स है गियर बॉक्स के पास भी जो है साउंड करता था खट खट, जब भी आता था स्पीड करता था जी पास खट आवाज़ करता था। तो ये पहले नहीं था, जब नया नया गाड़ी लिया था तो उसमें नहीं था, उस समय ऑफ रोड में गाड़ी चलाया था ठीक चला था, लेकिन बाद में जैसे प्रॉब्लम शुरू हुई। तो फिर जब मैं ये सर्विसिंग सेकंड टाइम सर्विसिंग हुआ, तो बंदा जो है टेस्ट किया, मैं उसको बोल दिया था कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है ये प्रॉब्लम है, मैं उसको बोल दिया था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सब फिक्स हो जाएगा। तो सर्विसिंग हुआ और बहुत सारा जो उसमें मेरा जो आपको मेन क्या मेन आपको इंजन ऑयल चेंज हुआ, दूसरे सर्विसिंग में क्या होता है मैं बोलना चाहूँगा कि इंजन ऑयल चेंज होता है, उसके बाद जो पीछे का जो चक्का है ना, पीछे का जो मोटर घुमाता है, जो इंजन लगा रहता है जो भी जगह घुमाता है, उसमें जो ऑयल लगता है वो चेंज होता है, साथ साथ जो है आपका जो है एग्जॉस्ट ऑयल, जो कि BS6 इंजन जानते हो कि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ता है वो लगता है, ठीक है। तो वो तीनों का कॉस्ट जो है मुझे पड़ गया आपका जो है 4,800 कुछ रुपया के आसपास पड़ गया, ठीक है समझ लो 5,000 पड़ गया। दूसरा सर्विसिंग कॉस्ट जो है 5,000 पड़ा मेरा, जैसे मोबिल चेंज हुआ, वो ऑयल चेंज हुआ, मतलब दो को इंजन ऑयल समझ लो एक तरह का, और वो आपका एग्जॉस्ट ऑयल गाड़ी में लेके आ गया। लेकिन देखो जब वो टेस्ट करा था तो बोला था कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और जब अगर सर्विसिंग हो जाता है वॉशिंग वॉशिंग होने के बाद जो है फिर दोबारा जो है ना वो आपसे आपका जो गाड़ी टेस्ट करता है वो चला के, तो वो दोबारा टेस्ट किया, कोई इशू नहीं था, गाड़ी एकदम मस्त काम कर रहा था। बात यह है कि वो जो है हाईवे में टेस्ट करता है, अब हाईवे में जब टेस्ट कर रहे हो तो हाईवे में तो यार वो ज़्यादा सॉकर दब नहीं रहा है, ज़्यादा वो जो है पत्ती जो दब नहीं रहा, तो वो साउंड नहीं कर रहा था। फिर जब घर लेके आगे गाड़ी फिर देख रहा फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो गया, फिर से वो जो गाड़ी दबना शुरू हो गया, फिर जो है को आवाज़ करता है। तो एक समस्या है जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगले सर्विसिंग में मेरा सॉल्व हो जाए। बात तो है गाड़ी बहुत मस्त है, बहुत ही जगह है गाड़ी में, देख सकते हो काफ़ी जगह बचता है जब मैं बैठता हूँ ना यहाँ पर, तो जब आप बैठते हो तो एक जो काफ़ी काफ़ी जो है गैप बन जाता है, देख रहे हैं यहाँ पर जो है बिहार में मैं रहता हूँ ना, देखो गाड़ी में लाठी भी है डंडा, तो यहाँ पर जो है शादी ब्याह में लोग जो इसको खोज के बैठते हैं, मल्टीपल लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि सवारी गाड़ी जैसा लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह काफ़ी अच्छा जगह रहता है, मतलब स्पेस बहुत है इसमें, स्पेस जो काफ़ी अच्छा खासा आता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के जो क्या गाड़ी में नहीं मिलता है, और जहाँ तहाँ सब निकाल सकते हैं उसको। कई बार तो मैं रोड छोड़ के भी चढ़ जाता हूँ, मतलब मान लो कोई सामने से गाड़ी आ रहा है तो मुझे मैं रोड छोड़ देता हूँ और नीचे से निकाल के मैं ओवरटेक कर लेता हूँ, जो कि पॉसिबल, इसके बाद इसका चक्का बराबर है। SUV का ये फायदा है कि आपका जो है ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा मिलता है, तो आप जो है जहाँ तहाँ से निकाल के इसे कर सकते हो, तो ये बहुत सुविधा होता है। वरना मेरा प्लान था स्विफ्ट लेने का, देखो मैं वैसे बोल चुका मेरा पहला गाड़ी है, तो मेरा जो मेन प्लान था वो स्विफ्ट लेने का प्लान था, लेकिन जब बिहार आया मैं तो मेरा बहुत सारे रिलेटिव जो है रिकमेंड किया बोलो कि इससे जो मल्टीपल काम हो जाएगा, शादी ब्याह में काम आ जाएगा, इधर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी आ जाएगा और अपना परसेंटेज भी रहेगा, लेकिन अब देख रहा हूँ कि अब थोड़ा सा ये समस्या दे रहा है। अच्छा गाड़ी है लेकिन बड़ा गाड़ी है, अच्छा गाड़ी तो है लेकिन बड़ा गाड़ी है, और मैं कोडर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करता हूँ, तो मैं इसको हर जगह लेकर नहीं आ पाता हूँ। ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट गाड़ी है, लेकिन अगर चाहो सिटी एरिया में जहाँ था मैनेज करना, तो यार ये आपका माथा का हेडेक बढ़ जाएगा, ठीक है। जो SUV है चाहे बोलेरो हो स्कॉर्पियो हो, सोचो आप सिटी में जहाँ था घुमाएं गली वली में, तो यार ये ना ही हो पाता है, मतलब इसको घूमने के लिए बहुत जगह चाहिए इसको, और बड़ा गाड़ी है, ठीक है, इसका ऊंचाई काफ़ी अच्छा बड़ा है। अगर मान लो आप किसी के दुकान के सामने खड़ा कर दोगे, किसी के दुकान के सामने सिटी एरिया में, तो चिराने लगे कि हटा हटा गाड़ी हटा, क्योंकि गाड़ी देखने में पहले तो भद्दा लगता है, उतना ब्यूटीफुल गाड़ी लुक नहीं है इस गाड़ी का। दूसरा क्या है कि इसका जो हाइट बहुत ज़्यादा ऊँचा है, तो जो दूर का चीज़ दिखता नहीं, ठीक है। वही अगर आप SUV है सडन टाइप का कार है, तो गाड़ी है, तो क्या होता है कि वो ऊपर से दिख जाता है, तो लोग को लगता ही नहीं कि कुछ वहाँ खड़ा है, सर एक साइकोलॉजिकल जो है एक रहता है। तो मैं दूसरा गाड़ी SUV ले रहा हूँ जल्दी, बैक टू बैक मैं इस गाड़ी से रिलेटेड बहुत कुछ बताऊँगा आपको, कुछ क्वेश्चन है आपको बोलेरो से रिलेटेड, नया जो बोलेरो है, तो मैं जरूर इसके आंसर देने का प्रयास करूँगा।
एक जो बहुत लोगों के मन में आता है कि कितना माइलेज मिलता होगा, तो भाई माइलेज में टेस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि यार माइलेज जो है यार बहुत कम देता है, ये बहुत ही कम, यहाँ से 10 ही कर देता है, कोई बहुत बड़ा बात है।